नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच एंड ऑथर, आपका स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 10 साल से बिजनेस के फील्ड में हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में कभी जॉब नहीं किया। जो कुछ सीखा हूँ, जो कुछ जाना हूँ, काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के वजह से जाना हूँ। और तब से मैं भी अपना ही बिजनेस कर रहा हूँ। अभी की डेट में हमारा जो स्टार्टअप है myprojectreport.com, उसका मैं फाउंडर हूँ। इसके अलावा मैं बिजनेस कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कराता हूँ ऑल ओवर इंडिया में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आरओ प्लांट का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मशीन के बारे में नहीं बताया जाएगा, बल्कि ये टोटल बिजनेस प्लान होगा। जो चीज़ें आप कहीं और नहीं देखते होंगे, ये समझिए वहीं से शुरू होगा। इसमें बिजनेस के बारे में तो डिटेल आप जानेंगे ही, मशीन के बारे में डिटेल आप जानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन वाला पार्ट, किस तरीके से कॉस्टिंग है, किस तरीके से इसका प्रॉफिट हो सकता है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है, लोन आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ टोटल चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में जो आरओ मैं बताने वाला हूं, वो आरओ प्लांट बेसिकली कमर्शियल लेवल का आरओ प्लांट की बात कर रहा हूं। जैसे जितनी भी कंपनियां हैं उनके यहां आरओ लगते हैं, ठीक, लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह है जो अभी की डेट में बिना आरओ प्लांट के चल ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए ना, जहाँ भी शादी हो रहा है, शादियों में जनरली आरओ वाटर का ज़रूरत पड़ रहा है, ऑफिसेस में ज़रूरत पड़ रहा है, घरों में भी लोगों के ज़रूरत पड़ रहे हैं। कई बड़े बड़े सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे पानी ठीक नहीं आता है और लोग वहाँ पे पानी लगवाते भी नहीं हैं, वाटर प्योरीफायर, तो वो आरओ वाटर ही ख़रीदते हैं। तो इस तरीके से आपका स्कोप ऑफ बिज़नेस होगा। इसी तरीके का बिज़नेस का आज हम बात करेंगे, जहाँ पर आप बल्क में पानी का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आरओ वाटर आप बना सकते हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वो रॉ मटेरियल डाल के नहीं, ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ना, ये भी पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ही होता है, ठीक है, और पैकेजिंग करके बेचते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग ही होता है, इसीलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आरओ प्लांट, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ओसमोसिस, यानी कि जो भी पानी है, जो हम नॉर्मल पानी देख रहे हैं, वो लगता शुद्ध है बट होता नहीं है, उसको रिवर्स ओसमोसिस प्रोसेस के थ्रू उसको क्लीन किया जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, जो कि पानी पीने के लायक हो जाता है। तो इसी आरओ प्लांट की हम बात करेंगे। इस आरओ प्लांट को लगाने के लिए किस टाइप का लोकेशन आपको देखना चाहिए? आप वैसा लोकेशन देखिए जहाँ पर बोरिंग करने का सुविधा हो। बोरिंग का मतलब क्या हुआ? वही ज़मीन से पानी निकालने वाला बोरवेल, उसकी सुविधा हो। दूसरी बात, आपके गाड़ी का आने जाने का स्पेस होना चाहिए, उतना रास्ता होना चाहिए, यानी कि आपके ट्रांसपोर्टेशन का स्पेस होना चाहिए। उसके अलावा पैकेजिंग भी आप कर पाएँ, बॉटल में पानी भर के ही आप बेचेंगे ना, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए आप कहाँ पे ओपन करेंगे। जनरली लोग शहर के थोड़ा बाहर करते हैं, कुछ लोग शहर के अंदर में भी करते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग देखना है कहाँ पे आप ज़्यादा बढ़िया सेल कर पाएंगे। और लोकेशन में एक चीज़ और ध्यान देना है कि चूँकि आपका जो मार्केट है जहाँ पर आप बेचेंगे, वो जनरली यही लोग हैं। शादी तो चलिए शादी हो गया, बर्थडे का फंक्शन हो गया, या कोई भी स्टेप है, थोड़ा ये ओकेजनल होता है, रोज़ रोज़ का तो काम है नहीं, ठीक है ना, तो ये अपना ओकेजनल हो गया। लेकिन जो रोज़ रोज़ हमारा सेल करने का ऑप्शन बच रहा है, वो हो गया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, दुकानों में, इसके अलावा ऑफिसेस में, इसके अलावा वैसा कोई बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं लेकिन पानी की सुविधा नहीं है, तो कई बार घरों में भी लोग आरओ वाटर मंगवा के यूज़ करते हैं। तो आपको देख लेना है कि आपका ये सारा लोकेशन आपके प्लांट से नज़दीक हो। अगर आपने लोकेशन देख लिया तो एरिया आपको कितना चाहिए होगा? इसके लिए एरिया कम से कम आपके पास 1500 स्क्वायर फीट से लेके 2500 स्क्वायर फीट तक का एरिया चाहिए होगा। ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या? कम भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जितना बड़ा आपको प्लांट लगेगा, जितना बड़ा आप प्लांट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए होगा। करने वाला तो 1000 में भी कर रहा है, बट वो मैनेज कर रहा है किसी भी तरीके से, और वो छोटे लेवल पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना ही लोगों को चाहिए ज़रूरत के लिए, क्योंकि आप जो प्लांट लगाएंगे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 200 स्क्वायर फीट तक का एरिया चाहिए होगा। ये मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, आप लगा लो 100 से 200 स्क्वायर फीट, मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके अलावा आपको पैकेजिंग के लिए जगह चाहिए, एक आपके पास रूम चाहिए, और हो सकता है आपको एक जनरेटर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर लाइट कट गया तो आप फिर कैसे काम करेंगे। इस तरीके से आपको एरिया देख लेना पड़ेगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम मशीन की, किस तरीके का आपको मशीन परचेस करना पड़ेगा। मशीन इसमें वेरियस रेंज के आते हैं। सबसे पहला अगर मैं बताऊँ, जैसे 1000 लीटर का अलग मशीन आता है, उसी तरीके से 2000 लीटर का, ये क्या, वन आवर, ये पर आवर की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आप मशीन लेंगे पर आवर की बात करूँ, 4000 लीटर पर आवर,
इसके बाद 5000 लीटर पर आवर। सो आप जब भी मशीन खरीदेंगे तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि आपका सेल क्या है, आप कितना सेल कर पाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लांट खरीदना है। क्योंकि कम का मशीन खरीद के, जैसे 1000 लीटर पर आवर का मशीन खरीद के दिन में 10 घंटा चला रहे हो, मशीन फूंक जाएगा, क्योंकि उसका उतना कैपेसिटी नहीं है। सो इसीलिए कई बार आपको कम कैपेसिटी से काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी से आप काम कीजिए। लेकिन अगर आपका उतना क्लाइंटेल नहीं है, उतना आपका कस्टमर शुरू में नहीं है, तो आप कम से भी शुरू कर सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपके ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है। फिर भी मैं आपको बताऊं, इनिशियल लेवल पे कम से कम 2000 लीटर पर आवर वाला प्लांट से आपको शुरू करना चाहिए। वैसे तो लोग 5-500 वाला भी कर रहे हैं, बट अगर ठीक ठाक काम करना है तो आपको इस लेवल पे काम करना होगा। इस टाइप के मशीन की अगर मैं कीमत की बात करूँ, तो ये मशीन का कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये में आपको आ जाता है, 1.5 लाख में आ गया, 2 लाख में आ गया, जनरली यही इसका कीमत होता है, ठीक है ना। सो आइए अब हम सीधा बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, कॉस्टिंग की, और तब मैं बताऊँगा लोन से रिलेटेड। तो अगर आप मशीन लेने के लिए जा रहे हैं तो इसका कॉस्टिंग लग जाएगा लगभग आपका 1.5 से 2 लाख। नेक्स्ट हो गया इसमें बोरवेल। अगर आप बोरवेल करवाने के लिए जाएंगे तो बोरवेल का जो खर्चा आएगा वो लगभग आपको 1 लाख से लेके 1.5 लाख के आसपास तक में आपका इसका इन्वेस्टमेंट जा सकता है। कारण है कि आपको कम से कम 350 फीट तो आपको गलवाना ही पड़ेगा बोर, तब जाके आप बहुत ही अच्छा पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो बोरवेल का आपको इतना खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा एक आपको गाड़ी भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे गाड़ी में क्या ले सकते हैं, वैन ले सकते हैं, कोई भी आप एक वैन खरीदिए। वैन अगर आप सेकेंड हैंड खरीदेंगे या कोई ऑटो वाला भी खरीदेंगे, ऑटो वाला ही वैन सबसे बेहतर होता है। सो अगर आप खरीदेंगे तो आपको तो पैसा लग जाएगा, नहीं तो आप चाहें तो रेंट पे लगवा सकते हैं, तो फिर आपको वो उसका पैसा महीने में देना पड़ जाएगा, 20-25 हज़ार तो ले ही लेता है वो, तो आपको देख लेना कि करना क्या है। अगर आप परचेज़ करेंगे फर्स्ट हैंड तो कम से कम 5 लाख रुपये का खर्चा शुरू में लग सकता है, उसे प्लस में ही मान लीजिए। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड खरीदेंगे तो 3 लाख के आसपास में आई थिंक ये आपका मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं कुछ वर्किंग कैपिटल की बात करूं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करूं, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा लगभग 8 लाख से लेके 10 लाख के बीच में आता है। सो आरओ वाटर प्लांट अगर आप 2000 लीटर का कैपेसिटी वाला ओपन कर रहे हैं विथ गाड़ी पूरी सुविधा के साथ, तो आपको लगभग 8 से 10 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सब पैसा अपने पॉकेट से लगाने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है PMEGP स्कीम। PMEGP स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए 50 लाख तक का लोन मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगा, लगभग 25% से लेके 35% तक का सब्सिडी मिलता है, ठीक है ना। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, स्पेशल कैटेगरी से हैं, जैसे OBC हैं, SC ST हैं, या अगर आप विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको लगभग गांव में अगर आप कर रहे हैं तो 35% का मिलता है, शहर में कर रहे हैं तो आपको 30% का मिलता है। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है EWS वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जल्दी ही, उसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, अभी फ़िलहाल में नहीं मिल रहा है। तो जो बात बाकी जो रिच लोग हैं, EWS वाले को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग रिच ही बचते हैं, सो जनरल वाले जो भी हैं उनको 25% तक का सब्सिडी मिलेगा गांव में अगर आप कर रहे हैं, और अगर आप शहर में कर रहे हैं तो 20% तक का सब्सिडी आपको मिलेगा। ये है कि भारत सरकार सबको दे रही है, क्या धनी गरीब सबको दे दे रही है, ये अच्छी बात है, सारे लोगों को मौका मिल रहा है तो आप उसका लाभ उठाइए। सो PMEGP स्कीम में अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो वेरियस टाइप के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके अलावा उद्यम, इसके अलावा आपका पानी से रिलेटेड काम है, तो एक चीज़ और बता दूं, इसमें फसाई भी लग सकता है, ठीक है ना। बिना फसाई के आप कुछ दिन चला लीजिएगा मंजूर है, लेकिन बाद में आपको फसाई लग सकता है, तो FSSAI के बगैर अगर कर रहे हैं तो करिए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लेना पड़ेगा। फसाई का रजिस्ट्रेशन भी होता है, लाइसेंस भी इसका मिलता है, BIA सर्टिफिकेशन इसमें चाहिए होता है, इसके अलावा इसमें ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है। ये सारा डॉक्यूमेंट आप myprojectreport.com वेबसाइट से प्राप्त कीजिए, इसका स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, वेबसाइट भी, आप सीधा यहाँ से कॉल करके आप अपना काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि लीगल क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होगा, तो जो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को छोड़ के, ये सारा डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा। एक और आप ऐड कर सकते हैं GST, शुरू में आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके डॉक्यूमेंटेशन को अवॉइड कीजिए, कम में काम कीजिए, जैसे धीरे धीरे आपका काम बढ़ने लगे फिर आप ले सकते हैं, तो लीगल में ये चीज़ें लगेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लिए प्रॉफिट मार्जिन क्या आएगा।
इस बिज़नेस का प्रॉफिट मार्जिन लगभग आपको, अगर मैं 20 लीटर के पानी की बात करूँ, 20 लीटर का जो एक केन होता है, जार होता है, उस जार के एक लीटर के पानी को बनाकर बेचने में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो 10 रुपये के आसपास में प्रॉफिट जाता है, 10 रुपीज़ पर जार। तो आप एक दिन में कितना जार बेच रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर 200 बेच रहे हैं कि 500 बेच रहे हैं कि 1000 बेच रहे हैं, वो आपको देखना है। जितना आप ज़बरदस्त मार्केटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप सेल करेंगे। तब भी अगर मैं बात कर लूँ, एक मिनिमम भी ले लें हम, एवरेज भी, तो आप एक महीने में कम से कम 30,000 से ले के आप 1,00,000 रुपीज़ तक का अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये अर्निंग बढ़ जाएगा, अब जैसे शादी आया, शादी में आपको ऑर्डर मिल गया, अर्निंग बढ़ गया। वहीं अगर किसी का बर्थडे पार्टी है, ऑर्डर आ गया, बढ़ गया आपका अर्निंग। तो अर्निंग का तो खैर ऐसे ही है, बिज़नेस में कुछ काम सीजन में ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर तो नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो यही सब मैनेज कर देता है कि अगर बरसात के टाइम में कम भी सेलिंग हुआ तो आपको शादियों के सीजन में अच्छा सेलिंग हो के उसका मैनेज कर लेगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आर ओ वाटर प्लांट से रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। 1-to-1 हम इसमें आपको कंसल्टेशन देंगे, गाइड करेंगे किस तरीके से आपको बिज़नेस करना है। इसके अलावा कोई भी बिज़नेस में अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप नंबर पर जो दिया गया है आप इस पर संपर्क करिए, आपको पूरा का पूरा हम सहयोग करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।